हिंदू बेटियों की पढ़ाई मनचलों ने छुड़वाई। क्या यूपी के उन्नाव में बन रहा नया जिहादी प्लान। हिंदू लड़कियों को मदरसा भेजने की साजिश। क्या जिहादी मंसूबों पर प्रशासन लगाएगा लगाम। यूपी के उन्नाव में हिंदू बेटियों का घर से निकलना दूभर हो गया है। आरोप है कि स्कूल जाने पर रास्ते में मुस्लिम युवक घेर लेते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, उन पर सख्तियां कसते हैं। पिछले एक हफ्ते से उन्नाव की 3 बहनें डर के मारे स्कूल नहीं जा पा रही थी। पीड़ित लड़की का आरोप है कि आरोपी लड़के धमकी देते हैं, किसी को बताने पर घर से उठा लेने की धौंस देते हैं और ये भी कहते हैं कि अगर पढ़ना है तो मदरसे में पढ़ो। हिंदू बेटी जो कह रही है वो चिंता में डालने वाली बात है। आरोपियों का हौसला तो देखिए, जो नफरती जिहाद का खुल्लम खुल्ला खेल खेल रहे हैं। वो लड़कियों से स्कूल छोड़कर मदरसों में जाने को मजबूर कर रहे हैं। अब आप सुन लीजिए कि पीड़ित लड़की का आरोप क्या है। विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं और हमारे घर से विद्यालय 3 किलोमीटर दूर है। किस क्लास में हो? फर्स्ट ईयर में। आरोप ये भी है कि आरोपी लड़के फोन पर गंदे गंदे भद्दे मैसेज भेजते हैं। परिवार ने प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़े किए। लड़की के पिता ने संगीन आरोप भी लगाए। सुरक्षा को लेकर डीएम और एसएसपी से गुहार तक लगाई, लेकिन प्रशासन ने इस मामले में क्या कोई एक्शन लिया, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो भी हमने दिखाया और जब हमारे घर से पूछा जाता थाने में क्या हुआ तो वो लोग कुछ बताने के लिए राजी नहीं है। धमकाया भी जा रहा है? धमकाया सर, मुस्लिम समुदाय द्वारा लगातार धमकाया जा रहा है और कह रहा है कि तुमको फंसा देंगे और तुम्हारे घर को जाम से मार देंगे। माँ की तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया है जिसके आधार पर थाना मोरवा मुकदमा पंजीकृत करा करके अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। धमकियों से परेशान होकर एक बार फिर पीड़ित परिवार शिकायत करने एसपी दफ्तर पहुंचा था। मामला तूल पकड़ता देख पुलिस हरकत में आई। अब कार्रवाई की बात की जा रही है। हाल के दिनों में लव जिहाद की और सर तन से जुदा की धमकी देने वाले कई मामले सामने आ चुके हैं। अब उन्नाव में हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा है। पुलिस विभाग को जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई करते हुए उन जिहादी मंसूबों पर रोक लगानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।